Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. आज से ठीक 22 साल पहले यही वो महीने थे जब कारगिल की ऊंचाइयों पर हमारी फौज दुश्मन से दो दो हाथ कर रही थी। मई, जून और जुलाई 1999, दीज थ्री मंथ्स इन द ईयर 1999 क्रिएटेड हिस्ट्री। दीज आर द गोल्डन पीरियड्स ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। आज की कहानी है कारगिल की उन ऊंचाइयों से। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ले चलूंगी हैदराबाद के एक छोटे से घर में, जहां चारुलता अपने पति के लिए चिट्ठी लिख रही थी। उनके पति मेजर पद्मपाणी आचार्य अपनी बटालियन टू राजपुताना राइफल्स के साथ कारगिल की लड़ाई के लिए तैनात थे। रणबांकुरों की ये पलटन दुश्मनों के साथ कड़ा मुकाबला कर रही थी। चारुलता रोज भगवान के आगे दिया जलाती और कहती, भगवान, मेरी कोख में पल रहे इस बच्चे के पिता को सही सलामत रखना, उन्हें जल्दी घर भेजना। पद्मपाणि आचार्य जब मौका मिलता तो चारुलता को चिट्ठी लिखते, उनकी हिम्मत बढ़ाते। उनके पिता, जो एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर थे, उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस देते कि पापा, चारुलता को रोज महाभारत की एक कहानी सुनाइए, जिससे कि कोख में पल रहे हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले। और फिर क्या था, हिज फादर टुक इट वेरी सीरियसली एंड एवरी डे ही वुड मेक चारुलता सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टेल वन स्टोरी फ्रॉम महाभारत। पद्मपाणि आचार्य के माता पिता और चारुलता रोज रोज हर दिन हर घंटे हर मिनट हर सेकंड अपने ख्यालों में पद्मपाणि आचार्य की सलामती की दुआ करते, क्योंकि समय ही ऐसा था, लड़ाई छिड़ी हुई थी। अब चलते हैं कारगिल की पहाड़ी पर। यह दिन था 28 जून 1999। पद्मपाणि आचार्य को इंस्ट्रक्शंस मिले कि उन्हें अपनी प्लेटून के साथ तोलोलिंग की पहाड़ी पर दुश्मन की एक पोस्ट पर कब्जा करना है। कुछ एपिसोड्स पहले मैंने बैटल ऑफ तोलोलिंग को दो एपिसोड्स में कवर किया था, सो इफ यू हैव सीन दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया एज टू व्हाट वाज दैट बैटल ऑल अबाउट। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल इन द एंटायर ऑपरेशन विजय। तोलोलिंग की पहाड़ी नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर स्थित थी और वहां से दुश्मन इस हाईवे के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर नजर रख सकता था। एक विजुअल रेफरेंस के लिए, यदि ये तोलोलिंग की पहाड़ी है तो दुश्मन ने इसकी ऊंचाई पर कई जगह अपनी पोस्ट एस्टैब्लिश कर रखी थी। यहां से उनकी आर्टिलरी का इफेक्टिव फायरिंग हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर आ रहा था। उनके ऑटोमेटिक गन्स का फायर सटीक निशाना लगाकर हमारी ट्रुप्स को नुकसान पहुंचा रहा था। तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर कब्जा करना हमारे लिए इस लड़ाई में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था और दुश्मन को इस बात का पूरा अंदाज था। एंड दैट वॉज प्रिसाइसली द रीजन कि दुश्मन तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखा हुआ था। एक के बाद एक इंडियन आर्मी के कई मिशन लॉन्च हुए तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर, लेकिन दुश्मन के हैवी फायर से वो मिशन कामयाब नहीं हो सके। जब मेजर पद्मपाणि आचार्य और टू राजपुताना राइफल के इन रणबांकुरों को ये हुक्म मिला तो वो भूले नहीं समाए। ये एक गर्व की बात थी
इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर कि आज हमें एक ऐसा मिशन मिला है, आज हम एक ऐसे मिशन के लिए, यू नो दैट वी हैव बीन फाउंड वर्दी टू बी गिवन दिस मिशन. मेजर पद्मपाणि आचार्य बहादुर राजपुताना और राइफल के जवानों के साथ इकट्ठा हुए. उन्होंने अपने जवानों को कहा कि आज वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार होता है. आज वही घड़ी है जब हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाना है. वीर भोग्या वसुंधरा, ये हमारा मूल वाक्य है. आज हम वही वीर हैं जो दुश्मन से अपनी वसुंधरा को मुक्त कराएंगे. केसरिया बाना बंध चुका है, खून का तिलक हो चुका है और अब ये समय है कि या जान दे कर आएंगे या जान ले कर आएंगे, लेकिन जीत कर ही वापस आएंगे. विजय की ललकार के साथ मेजर पद्मपाणि आचार्य, शेर जिगर ऑफिसर, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, आगे बढ़ते गए और अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते गए. जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दुश्मनों की तरफ से आने वाला फायर और तेज होता गया. शून्य से कई डिग्री नीचे टेम्परेचर, बर्फीला मौसम, ऑक्सीजन इतना कम कि सांस ही नीचे नहीं आ रही. खड़ी चढ़ाई और उस पर दुश्मन का आता हुआ फायर. देयर वॉज नॉट अ सिंगल फैक्टर विच वॉज इन देयर फेवर, जस्ट देयर लायन हार्टेडनेस वॉज देयर. शेर जिगर जवान अपने बहादुर अफसर के साथ आगे बढ़ते गए. दुश्मन का फायर आता गया, बहुत सैनिक घायल हुए, बहुत सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं खोई. जैसे ही दुश्मन के तीन बंकर सामने दिखाई दिए, मेजर पद्मपाणि आचार्य ने अपने साथ चल रहे जवान को, जो रॉकेट लॉन्चर लेकर चल रहा था, उसे हुक्म दिया, फायर. लेकिन पीछे कोई हरकत नहीं हुई. जब उन्होंने देखा तो उनके पीछे जो जवान रॉकेट लॉन्चर लेकर आ रहा था वो बुरी तरह से घायल पड़ा था. मेजर पद्मपाणि आचार्य ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया, वो रॉकेट लॉन्चर उठाया, अपने कंधे पर रखा और एक के बाद एक चार गोले दाग दिए. दुश्मन का पहला बंकर ध्वस्त और न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. मेजर पद्मपाणि आचार्य विजय की ललकार लगाते हुए आगे बढ़े. एक सेक्शन के पास 18 या 19 ग्रेनेड होते हैं, उन्होंने वो सारे ग्रेनेड हाथ में पकड़े और दुश्मन के दूसरे बंकर के ऊपर लॉब किए. दुश्मन का दूसरा बंकर स्वाहा हुआ, कितने पाकिस्तानी मारे गए. ये बहादुर ऑफिसर आज रणचंडी का आह्वान करके निकला था, जान लेने के लिए तैयार था, जान देने के लिए तैयार था. सामने से दुश्मन के फायर ने आकर उन्हें बुरी तरह से घायल किया. एक गोली कंधे पर लगी, एक गोली गर्दन पर लगी, एक गोली आकर छाती पर लगी. कदम बुरी तरह डगमगाए लेकिन हाथ का हथियार नहीं गिरा. कमजोरी की हालत में उनके जवानों ने उन्हें पकड़कर एक चट्टान की ओट में रखा. उन्होंने कहा, साहब चोट लग गई. लेकिन मेजर पद्मपाणि आचार्य वॉज नॉट रेडी टू लेट दिस इनिशिएटिव पास. ही टोल्ड हिज जवान्स टू चार्ज ऑन, धावा करो जवानों, आज आज ये पोस्ट हमें जीतनी ही है. मेजर पद्मपाणि आचार्य उस चट्टान की ओट से अपने जवानों को कवर फायर देते रहे, दुश्मनों के ऊपर गोलियां बरसाते रहे और अपने जवानों को धावा धावा कहकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे. जवान आज अब
अपने साहब की इस हुक्म को मानने के लिए तो जैसे तैयारी करके आए थे। उन्होंने कहा, साहब आज या दुश्मन है या हम हैं। तीसरा बंकर बहादुर राजपुताना राइफल के जवानों ने ध्वस्त किया और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराया। पद्मपाणी आचार्य की आंखें बस बंद ही हो रही थी। आखिरी सांस से, आखिरी हिम्मत से, आंखों के आखिरी नजारे ने उस पोस्ट के ऊपर तिरंगा फहराते हुए देखा, सलूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बस वो हाथ वहीं नीचे हो गया। हमने मिशन को पा लिया। इट वॉज अ सक्सेसफुल मिशन, बट वी लॉस्ट मैनी जवान्स एंड वी लॉस्ट मेजर पद्म पाणी आचार्य। उनकी इस बहादुरी के लिए इस वसुंधरा ने, इस देश ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया, द सेकेंड हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन चारुलता का सुहाग उजड़ गया। वो बच्चा जो घर में पल रहा था, उसके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन पता है, 3 महीने बाद पैदा होने वाली उस बिटिया का उन्होंने क्या नाम रखा? अपराजिता। वो जिसे कभी पराजित ना किया जा सके। आई थिंक दैट इज द लेगेसी ऑफ मेजर पद्मपाणि आचार्य, द वन हु कुड नॉट बी डिफीटेड, द डॉटर कैरीज ऑन हिज नेम, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। ब्रावो जुलू, मेजर पद्मपाणि आचार्य महावीर चक्र, द ग्रेटफुल नेशन सल्यूट्स यू। शो डिटेल्स में ऐसी और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना।